हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। माय नेम इज लव कौशिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द बॉक्स अनबॉक्सर। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी अलग अपने कंसेप्ट से, जो कि अपने वीडियोस आते हैं अपने चैनल पर उससे काफ़ी अलग होने वाला है। जैसे कि आप लोग पढ़ के आएंगे हाउ टू डू व्हाट यू वांट रेगुलरली, वो चीज़ कैसे करें जो आप चाहते हो रेगुलरली, वो चीज़ कैसे करें जो आप चाहते हो, तो वो तो आपको पता ही कि कैसे करना है। जो भी आप चाहते हो उसको कैसे करना है, क्या आपके स्टेप्स रहेंगे उसकी तरफ, बट रेगुलरली कैसे करें उस चीज़ को, ये अपना मेन आज होने वाला है वर्ड, जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि कोई भी चीज़ आप करते हैं अपने सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए, अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए, उस चीज़ को रेगुलर नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिम का एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप जिम जाते हैं पर कभी कभार बोलते हैं यार नहीं यार अब छोड़ो यार, बहुत कर ली जिमिंग, बहुत बन गई बॉडी, लेकिन अपने कुछ भी अब ज़्यादा हुआ नहीं होता है और अपन पहले उसको छोड़ देते हैं एंड सोचते हैं कि अपना बहुत हो गया है, बट वही अपने अनफिट बॉडी लेकर हम बैठे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी कंफर्टेबल प्लेस पर बैठे हैं, किसी भी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर आपको एक पेन और एक कॉपी अवेलेबल हो सके, प्लीज़ गो एंड गेट इट नाउ, पॉज द वीडियो एंड गेट इट पेन एंड कॉपी। बिकॉज अगर आप जो चीज़ अपन आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उनको आप रिटर्न में ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज आप कोई भी वीडियो देखेंगे, मोटिवेट करने वाली वीडियो देखेंगे या कोई सी वीडियो देखेंगे, तो उसके अंदर जो भी मैटर जो भी पर्सन ने बताया होगा वो आप 2-3 दिन के अंदर फ्लश हो जाएगा आपके दिमाग से, पूरा ख़त्म हो जाएगा आपके दिमाग से जो भी उस आदमी ने वीडियो में बोला होगा। तो आई थिंक जो भी आज अपन डिस्कस करेंगे ये बात, जो सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए जो भी बात करेंगे अपन, तो प्लीज़ राइट इट डाउन ऑन योर कॉपी और अ पेपर, जिससे आप उसको रोज़ रिव्यू करते रहें, उस चीज़ को रोज़ देखते रहें, जिससे आपको पता रहेगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कैसे अपने गोल्स की तरफ रेगुलरली बढ़ते रहें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी डीमोटिवेशन के और बिना किसी इनकंसिस्टेंसी के। तो इन्हीं 3 वर्ड्स के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपना फर्स्ट वर्ड है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आपको कैसे हो सकता है, मैं जिम का एग्जांपल लूँगा बिकॉज आई लाइक दिस एग्जांपल। जैसे कि आप सोचिए, आप सुबह सुबह उठे हैं, हम जिम की तरफ जा रहे हैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए या कुछ भी फैट लॉस करने के लिए, अपने अलग अलग तरीके के अपने एम होते हैं जिस तरीके से आप, जिस वजह से अपन जिम जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अपन जिम जा रहे हैं सुबह सुबह हैं 6:30 बज रहे हैं, सो आप जा रहे हैं जिम की तरफ जा रहे हैं, बीच में आपको कचौड़ी समोसे वाला मिल गया, वो मतलब तल रहे निकल रहे गरम गरम कचौड़ी समोसे, आपको आया यार मैं खाऊंगा इसको, बस आज तो छोड़ो जिम साइड में गया, आज खाते हैं कोई बात नहीं, एक दिन हो गया खा लेते हैं। तो आप जाओगे बैठोगे, समोसे कचौड़ी जो भी आपको मन करेगा वो आप खा लोगे, देन आफ्टर दैट आप जिम नहीं जाओगे, वापस घर चल जाओगे। तो फिर जब आप घर आके बैठोगे तो सोचोगे कि यार आज तो मैंने कचौड़ी खा ली, यार मैं तो कुछ नहीं हो सकता मेरे से, यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये आपका डीमोटिवेशन हो गया। डिस्ट्रैक्शन एंड डीमोटिवेशन दोनों एक साथ आते हैं, अगर जहाँ आप डिस्ट्रैक्ट हुए वहीं आप डीमोटिवेट हो गए। डीमोटिवेट का एक और बहुत बड़ा कारण ये है फ्री बैठना। अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं सिर्फ फ्री बैठे हैं, कुछ भी काम करो, जैसे अगर आप फ्री बैठे हो कि आप कुछ भी नहीं कर रहे बस बैठे हो सोफे पे, क्या करें यार क्या करें, ऐसे सोच के आप कुछ नहीं कर रहे हो बस बैठे हुए हो, तो भी आप एक वो मुहावरा है ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता। तो प्लीज़ कभी भी फ्री मत बैठो, कभी भी फ्री मत बैठो। आप बैठे हो फ्री कुछ भी करो, किताब पढ़ो, मूवीज़ देख लो, कुछ भी करो, बट कभी भी फ्री मत बैठो। आप फ्री बैठे हो तो आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, ये एक बहुत अच्छा तरीका है टाइम पास का। टाइम पास नहीं, इसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। टाइम पास एंड टाइम इन्वेस्ट बहुत अलग अलग दोनों के मतलब होते हैं। टाइम इन्वेस्ट करना, आप किसी अच्छी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम पास मतलब आप बैठे हो सिर्फ कुछ भी सोच रहे हो उल्टा सीधा, तो इट इज़ लाइक टाइम पास एंड टाइम इन्वेस्ट करना ही होता है आपको। आपको कभी भी टाइम पास नहीं करना है, हमेशा टाइम इन्वेस्ट करना है अच्छी चीज़ों में, जिससे आपका आप और प्रोडक्टिव बनो, आपके और अंदर कुछ भी डेवलपमेंट हो। तो कभी भी टाइम पास मत करना, इन्वेस्ट करना हमेशा। तो अपन थे डीमोटिवेट, अपन डिस्ट्रैक्शन के साथ में हो जाते हैं, जैसे कि आपने खाया कुछ भी समोसे कचौड़ी है ना, आप डीमोटिवेट हो गए कि यार मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मतलब कुछ भी नहीं हूँ इस दुनिया के अंदर, तो ये डीमोटिवेशन हो गया। और तीसरा वर्ड है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये है, अगर आप जिम जाते हैं, सोचिए अगर आप हफ्ते में 3 बार जिम जाते हैं, तो आप अगर 2 दिन चले गए फिर तीसरे दिन आप नहीं गए, बोला सोचा यार मैं तो 2 दिन अच्छे से इंटेंस वर्कआउट करा तो तीसरे दिन क्यों जाऊँ, बाद में जाऊँगा, फिर आप जब नया आपका वीक शुरू होगा, जब आपको नए वीक में 3 बार जाना होगा, तो भी आप नहीं जाएंगे, सोचेंगे यार मैं तो पिछले वीक अच्छे से इंटेंस वर्कआउट कर लिया था तो आज क्यों जाऊँ। तो ये आपकी इनकंसिस्टेंसी हो गई। इस चीज़ को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, अब अपन आगे बढ़ेंगे कि इन तीनों डिस्ट्रैक्शन, डीमोटिवेशन एंड इनकंसिस्टेंसी, इन तीनों वर्ड्स को जो कि एक वॉल बने हुए हैं आपकी सक्सेस के सामने, इन सबको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे। तो फर्स्ट
डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए को मेडिटेट करना स्टार्ट करना होगा. आई थिंक मेडिटेट करना आप अगर स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक इट विल बी गुड टू यू. एंड मेडिटेशन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैठ जाओ घोर साधना के अंदर 5 घंटे उठो ही मत. नहीं, आपको शुरुआत के अंदर ये होगा भी नहीं. मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 2 घंटे मेडिटेशन करो. रोज़ डेली का रूटीन बना लो, अपनी हैबिट बना लो कि रोज़ एटलीस्ट 5 मिनट्स यू हैव टू मेडिटेट. 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट भी तो शुरुआत में 3 मिनट, 2 मिनट पर मेडिटेट करना स्टार्ट कीजिए. मेडिटेशन से आपको अपने गोल की तरफ फोकस होगा, आप पूरे फोकस्ड हो जाएंगे अपने गोल की तरफ. डिस्ट्रैक्शन का तो नाम ही नहीं आएगा. आप हमेशा अपने गोल की तरफ सोचेंगे कि मुझे ये करना है करना. तो मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड आंसर टू डिस्ट्रैक्शन. सो दूसरा है डीमोटिवेशन. डीमोटिवेशन को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डीमोटिवेशन को हटाने के लिए आपको अच्छे काम, गुड वर्क्स करने पड़ेंगे. डीमोटिवेशन को हटाने के लिए आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, रोज़ मोटिवेट होना पड़ेगा. रोज़ मोटिवेट कैसा हो कि मोटिवेशन वीडियोस नहीं, ये चीज़ तो करना है मत कि रोज़ मोटिवेशन वीडियोस देख रहे. नहीं, आपको रोज़ अच्छे काम करने होंगे जिससे आप मोटिवेट रहें. मोटिवेट क्या होता है? मोटिवेट ये थोड़ा ना होता है कि आपको मैं बोला अभी मैं इस वीडियो में चिल्ला रहा हूँ जाओ आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, तो इट इज़ ये आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, ये आपको एक्साइटेड कर रहा है. मोटिवेट और एक्साइटेड में दोनों बहुत अंतर होता है. सो मोटिवेट होना मतलब अंदर से जो खुशी आती ना कि आपको लगता है कि हाँ यार मैं कुछ हूँ, मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ. सो ये मोटिवेट करना होता है खुद को. तो आप अगर खुद को मोटिवेट रखना चाहते हैं, रोज़ अच्छे काम करिए, किसी की हेल्प करिए, किसी नीडी को फूड दीजिए, कुछ भी आप अच्छे काम कर सकते हैं. एंड मोटिवेट होने का एक और बहुत अच्छा जरिया मैं बताऊँ, बुक्स, रीडिंग बुक्स. जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि आपको बुक्स पढ़ना चाहिए. कोई सी भी आप नॉवल उठा लो, कोई सी भी बुक उठा लो जो कि आप पढ़ो, क्योंकि बुक पढ़ने पर आपको उसके अंदर वोकैबुलरी आएगी नई नई आपको, और बहुत कुछ आपको मिलेगा बुक पढ़ने से. तो मोटिवेट होने के बहुत सारे तरीके हैं. बस सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देखकर ऐसे नहीं कि यार मैंने 2-3 वीडियोस देख ली और मैं मोटिवेट हो गया रोज़. नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको. आपको खुद को मोटिवेट होने के तरीके निकालने होंगे, कैसे मैं खुद मोटिवेट हो सकूं. तो ये आप ऐसे मोटिवेट हो सकते हैं, और लिख रहे हो ना सारे पॉइंट लिखो. तो अपना पहले अपन ने डिस्कस किया अपन डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें. दूसरा अपन ने डिस्कस किया डीमोटिवेट कैसे होते हैं और मोटिवेट कैसे हों. अब तीसरा अपन को लिखना है इनकंसिस्टेंसी से अपन कैसे बच सकते हैं, कंसिस्टेंसी में कैसे आ सकते हैं, अपने वर्क करने में कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं अपन. तो आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए मैं एक आसान सा तरीका बताऊँ. 5 मिनट या 10 मिनट निकाल के बैठो, एक कॉपी पेन लो और अपना एक टाइम टेबल बना लो. टाइम टेबल मतलब कि आपको कब क्या करना है, कैसे करना है और किस पर्पज़ से करना है, ये सब लिखो उसके अंदर. और आप कभी भी उस टाइम टेबल को हटाओ मत कि यार ये तो घटिया टाइम टेबल, हटाओ साइड में अपन तो बैठेंगे आराम से. नो, यू हैव टू फॉलो द टाइम टेबल. जो भी तुमने बनाया, जो भी आपने बनाया, यू हैव टू फॉलो द टाइम टेबल जो भी आपने बनाया, बिकॉज उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको सारे काम करने हैं जो भी आपने टाइम बांटा है. एक मोरल था, जय शेट्टी ने बोला है कि जो सक्सेस को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, वो टाइम को आर्स में नहीं समझते, वो टाइम को मिनट्स में समझते हैं. मिनट्स, अपने एक एक मिनट को प्रोडक्टिव काम में डालो, अपने एक एक मिनट को ऐसे कामों में डालो जिससे आप और डेवलप हो सको. हर मिनट में आप बहुत कुछ कर सकते हो. सो उस टाइम टेबल को बनाओ एंड उस पर आप हमेशा अमल करो, उस पर आप हमेशा जो होता है उस पर ही फोकस हो. तो दोस्तों, ये इन 3 वर्ड्स के 3 आंसर्स से. तो यार ये मेरा फर्स्ट मोटिवेशनल वीडियो था. तो अगर आपको पसंद आओ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना. पसंद आ गए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा लगा वीडियो. और ऐसे वीडियो मैं और लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए. और कोई क्वेश्चंस हो इस बारे में तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, या मुझे आप DM भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. तो प्लीज़ गो एंड लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज. बाय.